ये आता साहब, ये बस को दो दिन हुए हैं हमारे घर आए, ठीक है, आपका नाम? अच्छा, और कौन बताएगा? तहसीलदार के सर, तहसीलदार वीडियो मंडी। अच्छा, इब्राहिम पत्र मिला कि आपको हमारे जो सोसाइटी मेंबर आपका भाई चारा जो है पहले भी ठीक रहा है और आईदा भी रहेगा और हमें नौकरी तरफ से जो है भरपूर। बट देर इज एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इट हैज टू बी डन। ये किसी उसमें मत रहना, बेशक अगर वो टीम है, मैं आपको कुछ अपने लेवल पे क्वालिटी कर दूंगा या एरी कर दूंगा और आप उस बेसिस पे टेंडर खोल के उनका रैली का खाने पीने का सारा इंतजाम हम लोग करेंगे। आप देखो यहाँ पे अभी डी साहब ने यहाँ पे जो श्री भूरा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो 17 अगस्त से जो शुरू होने जा रही है, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ श्री भूरा अमरनाथ में डी साहब ने जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड से उनको लेके यहाँ पे एक मीटिंग की है और जितने भी मंडी रिलेटेड इश्यूज थे उनको उन्होंने सेटल करने का यकीन दिलानी दी है। जो भी मंडी के मंदिर के रिलेटेड इश्यूज थे, कोई सड़कों की हालत खराब थी, कहीं पे बिजली पानी का कोई मसला था, और भी जितने मसले थे उनको लेके आज डी साहब ने यहाँ मीटिंग ली है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेड से, चाहे वो PDD था, PWD था, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी के हेड से, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए जो थे डिपार्टमेंट्स के लोग सारे यहाँ पे आए थे और सब ने ये हमें यकीन दिलाया है कि यात्रा से पहले सारे जितने भी इंतजाम है वो पूरी तरह से ठीक तरह दुरुस्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो इशू था कि मंडी के सारे लोग वहाँ पे आए थे, जितने भी वहाँ के पंची सरपंची व्यापार मंडल के हेड सारे वहाँ पे बाजार इस मीटिंग में आए थे और सब ने एक ही वर्ड में इस यात्रा को लेके तारीफ की कि इस यात्रा के आने से यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जो लोकल लोग हैं उस यात्रा का स्वागत करें। और एक जो सबसे बड़ी परेशानी जो सबने एक सुर में बोली है कि हमारी जो चंडक से लेके जो मंडी की रोड है उसकी खस्ता हालत है, उसके हालत को यात्रा से पहले दुरुस्त किया जाए। और आज सबसे बड़ी डी साहब ने हमें यकीन दिलानी दिलाई है कि जो ये रोड का जो इशू है जल्द से जल्द ठीक होगा। सिर्फ रोड चंडक से मंडी का रोड नहीं ठीक नहीं होगा और बाकी जो भी एडजॉइनिंग रोड है वो भी ठीक होंगे वेल इन टाइम और यात्रा से पहले सारे ये मसले जो उनके हल होंगे। जो आप देख रहे हो कि हमारी श्री भूरा अमरनाथ जी की यात्रा है वो तो आपको मालूम है कि पूरा साल चलती है, लेकिन जो इसकी महत्वता है वो हमारे श्रावण के जो ये मास होता है उसमें ये सबसे बड़ी यात्रा चलती है। और जो हमारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो एक रूटीन यात्रा है जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आती है और उसकी जो है वो 10 दिन चलती है, पूरे 10 दिन चलती है, उसमें जो 17 अगस्त को उसकी विधिवत जम्मू में वहाँ पे पूजन होगा, 18 अगस्त को जम्मू से सुबह भगवती नगर से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा और 18 अगस्त को ही यात्रा यहाँ पुंछ में आएगी और 19 अगस्त को पहला जत्था श्री भूरा अमरनाथ जी के लिए रवाना होगा और दर्शन करेगा वहाँ पे भूरे अमरनाथ जी में। और हम समस्त जितने भी यहाँ पे आज मंडी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस यात्रा को लेके जिस तरह से उत्साह दिखाया है, इस यात्रा को फैसिलिटेट करने के लिए, इस यात्रा का वेलकम करने के लिए जिस तरह से उन्होंने हमें बोला है, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद एडवांस में करते हैं। आज आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा जो हमारा इश्यू था कि वहाँ पे जो मंडी का बाजार है बहुत कंजेस्टेड है, हमारी यात्रा भी रुकती है, वैसे भी वहाँ पे अदर दिनों में भी वहाँ पे जो जामिंग की इतनी परेशानी होती है। जब पहले भी होता था कि हमारा जो चंडक था, चंडक का भी ऐसे ही हाल था, उसके बाद हमें चंडक का जो ब्रिज था वो कलाई वाला पुल वो भी ठीक करवाया था। और आज हमें सबसे बड़ी खुशी है कि यात्रा से पहले जो हमारा मंडी वाला ब्रिज है, ये जो सेकंड ब्रिज है ये थ्रू हो जाएगा और यात्रा इस बार वहाँ से जाएगी। नाथ जी, जो यात्रा हमारी आती है हर साल, जो इस साल 18 अगस्त से शुरू होने वाली है, उसके इंतजाम के मतलब मीटिंग रखी थी और ये मंदिर प्रमिसेज में ही हमने रखी थी। असली यात्रा जत्थे तो 18 तारीख से आ रहे हैं, बट हर साल की तरह अभी से ही हमारे काफ़ी यात्री आना शुरू हो चुके हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया और जो मंदिर कमेटी है, इसके साथ
VHP और BD और जो दशनमिया अखाड़ा और तमाम सिविल सोसाइटी जो है हमारी, जिसमें इनफैक्ट मुख्तलिफ मज़हबों से भी जो हमारे लोग हैं वो एक साथ मिलके ये इंतज़ाम करते हैं, आज उसी का डिस्कशन रखा गया था। और मुझे देख के बहुत खुशी है कि सारे ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी और आम लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सर जी बिल्कुल, पुंछ के आवाम ने और सिविल सोसाइटी ने हर एक ऐसा मौका, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या यात्रा हो, मुहर्रम हो, बहुत ही धूमधाम से मनाया है और यकजाती और प्यार और अमन से मनाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो अमन हर साल की तरह इस साल भी कायम रहेगा। शुक्रिया। मंडी आप जैसे देख रहे हैं कि मंडी से चंडक रोड की मरम्मत जारी है, उसकी ब्लैक टॉपिंग भी अभी हो जाएगी और उसके साथ जो ये नया पुल बन रहा है जो बिल्कुल मंदिर के बाहर है, जो JKPCC बना रही है, उसे हम बस कुछ ही हफ्तों में मुकम्मल करके इनॉग्रेट भी करेंगे।